कर कमल कर कमल कुडमलोप लालित कुडमलोप लालित चरणारविंद जुगला चरणारविंद जुगला परमा परमा परमेष्ठिन परमेष्ठिन नमस्ते नमस्ते। श्री शुक उवाच। विद्या है यहाँ तक, ये मंत्र है जिसका जप किया महाराज ने, नारद जी ने बताया जप का क्या प्रभाव हुआ, इसका वर्णन करते हैं। भक्तायतम प्रपन्ना विद्याम आदिश्य नारद विद्याम आदिश्य नारद यजावंगिर साकम धाम स्वयंभुवं प्रभो धाम स्वयंभुवं प्रभो चित्तकेतुस्तु विद्याम ताम चित्तकेतुस्तु विद्याम ताम यथा नारद भाषिताम यथा नारद भाषिताम धारयामास सप्ताहम धारयामास सप्ताहम अभक्षासु समाहितः अभक्षासु समाहितः ततश्च सप्तरात्रान्ते ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्याधार्यमाणया विद्याधार्यमाणया विद्याधराधिपत्यम् विद्याधराधिपत्यम् सलेभे प्रतिहतं नृपा सलेभे प्रतिहतं नृपा। ततः कति पयाहोर्भिः विद्ये दमनो गति जगाम देवदेवस्य जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम् शेषस्य चरणान्तिकम् मृळाल गौरं शितिवास संस्फुरत् मृळाल गौरं शितिवास संस्फुरत् किरीट केयूर कटित्र कंकणम किरीट केयूर कटित्र कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनमृतम प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनमृतम ददर्श सिद्धेश्वर ददर्श सिद्धेश्वर मंदते प्रभु तद्दर्शनध्वस्त समस्त किल्बिषा तद्दर्शनध्वस्त समस्त किल्बिषा स्वच्छामलान्तः कर्णोभयान्मुनिः स्वच्छामलान्तः कर्णोभयान्मुनिः प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयासुलोचनः प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयासुलोचनः प्रहिष्ट रोमा नमदादि पुरुषम् प्रहिष्ट रोमा नमदादि पुरुषम् सउत्तम श्लोक पदाब्ज विस्तरम सउत्तम श्लोक पदाब्ज विस्तरम प्रेमाश्रुलेशैरुपमेहयन्मुहुः प्रेमणो परुद्धाखिल वर्ण निर्गमः प्रेमो परुद्धाखिल वर्ण निर्गमः नैवासकर्तं प्रसमीडितुं चिरं नैवासकर्तं प्रसमीडितुं चिरं। इस विद्या का निरंतर जप करने से पढ़ने से राजर्षि चित्रकेतु को भगवान का दर्शन हुआ है, इसी का वर्णन हो रहा है। भगवान शेष का जो सबसे नीचे पाताल लोक में रहते हैं, इस पृथ्वी को अपने सिर पर उठाए रहते हैं, तो भगवान कैसे हैं इसका वर्णन कर रहे हैं। मृणाल गौरम भगवान श्री बलराम शेष नाग मृणाल की तरह गौर हैं, गोरे हैं। मृणाल कहते हैं कमल के नाल को। मृणाल गौरम सितिवास सम और कैसा वस्त्र पहने हैं, नीला
सीति और बहुत सुंदर चमक रहे हैं आभूषण भगवान के कान, सिर पर किरीट लगाए हैं, मुकुट केयूर हाथों का गहना है, कटित्र कमर का गहना है, बेल्ट कंकड़म ये बाजूबंद है, कलाई का गहना है, इसको लगाए हैं भगवान, बहुत सुंदर लग रहे हैं, स्फुरत चमक रहे हैं। इस तरह से श्री भगवान को देखकर चित्रकेतु महाराज पुलकित हो गए, उनके आँखों से आंसू आने लगा, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम जब कर रहे थे तो अपने सिर को उन्होंने रखा भगवान के चरण रखने की चौकी पर, जहाँ भगवान चरण रखते थे, और चरण के ऊपर चौकी पर बिस्तर लगाया गया था, बहुत सुंदर मखमल का गद्दा था, तो उस पर प्रणाम किए, लेकिन इतना प्रेम उमड़ा कि प्रणयाश्रुलोचना आँख में आंसू भर आए, आंसू टपकने लगा, और उससे भगवान का चरण रखने का आसन गीला हो गया। और बहुत देर तक वे देखते रहे कृष्ण को, भगवान को कुछ बोल नहीं सके, क्योंकि प्रेम के कारण सारे वर्णमाला अवरुद्ध हो गए, को बोली निकल नहीं रही थी, जो वर्णमाला है सारे वर्णमाला अवरुद्ध हो गए, अर्थात उनका गला भर आया, वे कुछ बोल नहीं पाए। चिरम देर तक वहीं प्रणाम किए रहे और बार बार आंसू निकल रहा था, मुँह उपमेय है, उस भगवान के चरण रखने के बेड को भिंगोर दिए। सौ उत्तम श्लोक पदाब्ज विस्तरम, भगवान के चरण कमल के बिस्तर को उपमेय है, प्रेम के आंसू आँख में उमड़ रहे थे, इससे भगवान का चरण कमल का बिस्तर माने बेड, जो गीला हो गया, और बहुत देर तक कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से अपने मन को समाहित किया और प्रतिलब्ध भाग सौ बोलने की शक्ति आ गई, तब इस प्रकार बोलने लगे। चित्रकेतु महाराज भगवान की स्तुति किए, वो आगे वर्णन है। इस प्रकार से इस विद्या का प्रभाव देखा गया। उतना आसक्त व्यक्ति पुत्र में, स्त्री में, घर में, और केवल नारद मुनि के द्वारा सिखाए गए भगवान की विद्या को, स्तुति को, मंत्र को पढ़ते रहे 7 दिन, बहुत नियम पूर्वक बस पढ़ते रहे, पढ़ने से ही इनके मन में इतना शुद्धि आ गई, मन का स्पीड बढ़ गया, और वे शेष भगवान के चरण कमल के पास चले गए, और चरण कमल के पास जा करके उनका प्रेम और अधिक उमड़ गया। शरीर में पुलक छाया था, आँख में आंसू भरे थे, वाणी गदगद थी, वाणी से बोल नहीं पा रहे थे, प्रेम के जो सात्विक विकार हैं ये सब आ गए।
इतना आसक्त व्यक्ति पुत्र के मोह में रो रहे थे, वही आज भगवान के प्रेम में डूब गए। देखते ही ये है इस विद्या का प्रभाव। इसी तरह से हम लोग यदि महामंत्र जपते रहेंगे तो एक दिन समय आएगा कि भगवान के पास यही महामंत्र हमको पहुंचा देगा। राम राम हरे। इसलिए श्रद्धा के साथ इस मंत्र को जपना चाहिए और श्रीमद् भागवत के श्लोकों को बहुत ध्यान से प्रेम से पढ़ना चाहिए। केवल 7 दिन 7 रात जप करने से चित्रकेतु महाराज सिद्ध हो गए, भगवान के पास चले गए, भगवान से बातें भी करेंगे, आगे वर्णन है। पहले कंठ गदगद हो गया इसलिए बोल नहीं पाए, केवल रो रहे थे प्रेम के कारण। कुछ देर के बाद जब बोलने की शक्ति आई, उन्होंने अपने मन को समाहित किया, बुद्धि से समझाया, तब रोना रुका, तब भगवान के गुण का वर्णन करने लगे। तो इस तरह की सफलता एक ऐसे व्यक्ति को मिली जो 1 करोड़ स्त्रियों में आसक्त था और पुत्र के लिए विकल था, परंतु संत संघ का ऐसा प्रभाव है, साधु के संग का, श्री नारद मुनि के संग का, कि थोड़े से संग से वे चित्रकेतु परम वैष्णव हो गए, भगवान का दर्शन किए, भगवान में प्रेम हो गया। यह घटना सिखाती है कि हमें भी उत्साह रखना चाहिए। यद्यपि हम लोग माया में हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं है, धन में घर में आसक्ति है, लेकिन फिर भी जप करने की शक्ति है ना, जप करना चाहिए, यही एक साधन है। जहाँ रहें वहाँ पुकारें भगवान को, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवान, कृपया तो पाद पंकज धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंद महाराज के लाला कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, लेकिन जैसे तैसे मैं संसार में गिर गया, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया, आप हमें अपने चरणों की धूल समझिए, हमको इससे निकालिए, इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। तब श्री भगवान से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग शिक्षाष्टक में पढ़ते हैं रोज, प्रेम से पढ़ना चाहिए। यहाँ केवल 7 श्लोक हैं जिसको चित्रकेतु महाराज ने बार बार पढ़ा,
ओम नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय धीमहि, इसमें प्रणाम है बार बार और भगवान के नाम का कीर्तन है। मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ, भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूँ। नमः धीमहि का यह अर्थ है कि मैं मन में नमस्कार करता हूँ। नमः धीमहि, मैं ध्यान करते हुए भगवान को प्रणाम करता हूँ, यह बार बार कहा गया है। बार बार भगवान का नाम आया है, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये सब भगवान के नाम है। जो सबसे बेस्ट है हम लोगों के लिए ये महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार स्वयं नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इस घोर कलयुग में किस उपाय से व्यक्ति जन्म मृत्यु को पार कर सकता है। तब श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि ये 16 नाम का महामंत्र है, इसी को जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और यह भी कह दे नातः परतरोपायम सर्व वेदेषु विद्यते, समस्त वेदों में इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। नातः परतरोपायम सर्व वेदेषु विद्यते, ब्रह्मा जी तो सारे वेदों के विद्वान हैं ही, वो कह रहे हैं कि सभी वेदों में सभी ग्रंथों में इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं बताया गया है। विश्वास करना चाहिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम कलो नास्ते 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 गति। वेद शास्त्रों में उपाय तो बहुत बताए गए हैं, लेकिन इस कलयुग में सब हो नहीं पाएंगे। मनुष्य में न बुद्धि है न शक्ति है, कर नहीं सकता है। एक अश्वमेध जग करना हो तो कोई संसार का सारा विद्वान मिल करके नहीं कर सकते, सारे राजा नेता मिल जाए एक अश्वमेध जग करना चाहे नहीं कर सकते। उसमें बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, बहुत धन चाहिए अश्वमेध यज्ञ के लिए। आजकल तो केवल कागज पर छाप देते हैं कि हम यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन अश्वमेध यज्ञ के जो नियम हैं, जितना सामान जुटाना चाहिए उसमें से कुछ भी नहीं जुट पाता है। केवल एक फैशन है कि यज्ञ हो रहा है, हाहा हाहा कर रहे हैं, स्वाहा हाहा कर रहे हैं। एक बार प्रयागराज में मैं देखा था यज्ञ हो रहा था, 508 कुंड थे, बहुत दूर में पंडाल बनाया गया, तो 108 कुंड पर चार चार व्यक्ति बैठे थे, यजमान और एक पंडित जी बैठे थे, तो पांच पांच व्यक्ति एक कुंड पर भरा था पंडाल। और संयोग से हवा का चलना बंद हो गया, यज्ञ चालू हुआ। तो मैं देखा था वहाँ, ये विनोद की बात नहीं है,
पंडित बोल रहे थे स्वाहा, तो पीछे से सभी लोग बोल रहे थे स्वाहा, तो उसमें मैं देखा अनेक पुरुष और स्त्री स्वाहा नहीं बोलते थे, हा हा बोलते थे। यही मनाते थे कब ये जग खत्म होगा, कब पूरा होगा। सबके आँखों में आंसू था धुआं के कारण। स्वाहा आँख पोछते थे। तो ये तो यज्ञ की स्थिति है, कोई तप नहीं हो सकता है। एक दिन उपवास करने में ही हालत बिगड़ जाती है। पर ऋषियों ने सब मिला करके समझाया है कि एक ऐसा रास्ता है जो चल सकता है, जिस उपाय साधन है जो हम कर सकते हैं, और वो है भगवान का नाम जपना, नाम कीर्तन करना, ये कर सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। बड़ा बड़ा मंदिर बनाना चाहें बना नहीं पाएंगे, बना भी ले तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन तो कर सकते हैं, समूह में भी और अकेले भी। अकेले भी कीर्तन करते हैं माला पर, संकीर्तन, नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कहीं भी कर सकता है व्यक्ति, इतना सरल साधन है। यही विद्या है। सब प्रकार का ज्ञान हो जाएगा इसी से, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर निष्ठा चाहिए, प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए। एक बहुत बड़े ऋषि हो गए हैं बहुत पहले इस देश में, जिनका नाम था वाल्मीकि। वो ब्राह्मण थे, परंतु जब किशोर अवस्था के थे उसी समय कुछ डाकुओं का संग हो गया। उन डाकुओं के संग में वो बहुत बड़े डाकू हो गए। डाकुओं के संग रोज डाका डालना, चोरी करना, हत्या करना, यही उनका काम था। ये जंगल में रहते थे। उस जंगल में एक रास्ता निकल रहा था जिस पर बहुत से यात्री जाते थे। तो रास्ते के किनारे ही थोड़ी दूर पर वाल्मीकि का घर था। वो रास्ता पर आकर के यात्रियों को लूटता था, उनके पास जो कुछ होता था छीन लेता था और उनकी जान मार देता था। चूँकि बहुत क्रूर डाकुओं का संग हो गया था, इसीलिए वो लड़का सयाना होने पर भी डाकू ही बन गया। उसने विवाह किया, उसको एक लड़का भी हुआ। तो सदा यात्रियों को मारना, उनका वध करना और उनसे पैसा छीन लेना, उनका सामान छीन लेना, यही उसका काम था। और दूसरी कमाई नहीं थी, इसी से परिवार का पोषण कर रहा था। स्त्री को देता था, अपने माता पिता को भी देता था, सबका पालन कर रहा। संयोग की बात है, एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हुए उस रास्ते पर जा रहे थे। तो आवाज़ सुन करके वो
अपने घर से बाहर निकल आया और नारद जी को देखा। तुरंत उसने वही काम किया जो अन्य यात्रियों के साथ करता था, मारने दौड़ा, पर श्री नारद मुनि का ऐसा प्रभाव था वो मार नहीं पाया, पकड़ लिया, कहने लगा ये तुम वीणा बजा रहे हो ये रखो और तुम्हारे पास जो भी पैसा हो निकालो। नारद जी के पास कोई पैसा कहाँ से था, वो तो एक वीणा लेकर चलते हैं, वो वीणा भगवान दिए हैं। तो नारद जी ने यह कह दिया तुम क्या करते हो इस कमाई से, तो मैं अपने परिवार का पालन करता हूँ, तो ये बहुत बड़ी कमाई, बहुत बड़ा पाप है, इतनी हत्या कर रहे हो, कोई तुम्हारे कमाई में हिस्सा नहीं लेगा, पाप सब तुमको लग रहा है, इससे घोर नरक मिलेगा, नरक में गिर जाओ। नरक क्या चीज़ है ये भी उन्होंने बताया, वहाँ जमराज जी बहुत मारते हैं, जलाते हैं, बहुत प्रकार का कष्ट है। तो श्रद्धा से सुन लिया, कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता है, मैं जिस परिवार का पालन करता हूँ वो हमारे पाप में हिस्सा नहीं लगाए, कैसे हो सकता है, हम विश्वास नहीं करते, हम जिनके लिए चोरी करते हैं, जिनके लिए हत्या करते हैं, वो हमारे पाप में हिस्सा नहीं लेंगे, ये मैं कैसे जानूं। तो नारद जी ने कहा मैं यहाँ रुकता हूँ, अपने घर जा कर के पूछाओ कि वे लोग पाप में हिस्सा लेंगे। तो वो कहा कि ऐसे चलाक हो तुम, मैं उधर जाऊँ पूछने और उधर तुम 9-10-11 हो जाओ, इतना चलाक बनते हो। तो नारद जी ने कहा हमको यहीं पर बांध दो, हाथ पीछे करके पेड़ में हमको बांध दो, और जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं रहूँगा, जाकर पूछ आओ। तो तुरंत वन में बमर लता आदि को काट करके लाया, उसकी रस्सी बना करके और नारद जी को पेड़ में पीछे हाथ करके बांध दिया। नारद जी खड़े रहे, ये कृपा है संत की। उन्होंने सोचा कुछ देर बंध जाऊं पर इसका उद्धार कर दूं। जो दौड़ा हुआ घर गया, घर में गया, उसके उसका बच्चा था, उसकी पत्नी थी और बूढ़े माता पिता थे, ब्राह्मण का परिवार था, पर ब्राह्मण जब भ्रष्ट होते हैं तो एक नंबर के राक्षस हो जाते हैं। जा करके पूछा सबसे पहले अपने पिताजी को, पिताजी से पूछा पिताजी हम जो कमाई करते हैं बहुत लोगों का वध करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो इससे पाप लगता है, एक साधु बता रहा था, तो उस पाप में आप हिस्सा लेंगे ना। तो बाप ने कहा बेटा जब मैं जवान था तब तुम्हारा पालन पोषण किया, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है, अपने कर्तव्य का हमने पालन किया, लेकिन पाप लेने में क्या कैसे किया जाता है मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता, अगर पाप मिले भी तो मैं नहीं लूँगा, नरक में कौन जाएगा। तब वह अपने माँ के पास गया, वही प्रश्न किया कि माँ तुम हमारे पाप में हिस्सा लोगी कि नहीं। वह बोली बेटा मैं
जो देते हो पका लेते हूँ, खा लेते हूँ, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी कहे हैं वही मैं जानती हूँ। मैं पाप में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। अब उसके सामने, वाल्मीकि के सामने अंधकार छाने लगा आँखों के सामने कि माता पिता हमारे पाप में हिस्सा नहीं लेंगे। तब वो अपनी पत्नी के पास गया बहुत आशा से और पत्नी से कहा, तुम हमारे पाप में हिस्सा बटाओगी कि नहीं। उसने सुनते ही कहा, स्वामी मेरी सेवा है, आप मेरा धर्म है आपकी सेवा करना, आपके लिए भोजन बना देती हूँ, मुझको क्या पता कि आप कहाँ से लाते हैं, अन्न कहाँ से लाते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं। यदि यह सब जुटाने में पाप है तो पाप में मैं हिस्सा नहीं लूँगी। अगर किसी उपाय से कोई देने भी लगे तो मैं पाप नहीं लूँगी। अब पूर्ण निराश होकर के अब बाद में अपने छोटे बेटा से पूछा, बेटा तुम मेरे साथ नरक में जाओगे, मेरे पाप को लोगे? उसने कहा, नहीं पापा, मैं तो पाप नहीं ले सकता। ये तुम्हारा काम है, तुम डकार डालो, चोरी करो, हत्या करो, तुम भोगोगे। तब वो डाकू वाल्मीकि वहाँ से वन की ओर चला, नारद जी को जहाँ बांधा था, दौड़ करके आया नारद जी के पास और कहा कि आप जो कहे वो बिल्कुल ठीक है, कोई पाप में हिस्सा नहीं लेगा। तो फिर नारद जी को प्रणाम किया और बंधन सब खोल दिया और कहा कि आप उपाय बताइए, मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। तब उपाय नारद जी ने बताया, तुम राम राम जपो। बार बार उन्होंने कहा राम, लेकिन वो राम उसके मुंह से नहीं निकला, इतना सीधा सरल नाम। उन लोगों को मारा था, मरा हुआ देखा था, इसलिए उसके मुख से मरा शब्द निकला। कितना भी प्रयास किया नारद जी ने राम राम, लेकिन वो मरा मरा कहता। तो मरा मरा भी यदि रिदम में कहा जाए, तीन चार बार कहा जाए, तो राम राम निकलने लगता, मरा 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 आ जाता। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, अगर यही तुमको याद है तो यही जपो। इतना कह करके वे चले गए और वह वाल्मीकि डाकू नाम जपना चालू किया, मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप किया वाल्मीकि ने, लेकिन श्रद्धा थी कि यह हमारे पापों को नष्ट करेगा, उनको नरक से बचाएगा, बहुत श्रद्धा थी। उसने जपना चालू किया, नारद जी उधर गए और जपना चालू किया। जपते जपते दिन बीत गया, रात आई, रात भर जपा, फिर दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, इस तरह से सप्ताह बीता, 15 दिन बीता, महीना बीत गया, साल बीत गया जपते जपते। और इतना जप में निष्ठा हुई कि उसके शरीर पर दीमक लग गए, दीमक का घर बन गया जिसको वाल्मीकि कहते हैं। और उस वाल्मीकि पर फिर घास उग गई, फिर भी वो जप करता रहा, इतनी निष्ठा थी।
भूख प्यास का तो पता ही नहीं, उसको केवल यही चिंता थी कि हमें जप करना है। राम 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 राम, वो तो राम राम नहीं कर रहा था, उल्टा मरा मरा, लेकिन वो जपता ही रहा। अंत में देवलोक में हल्ला हो गया कि एक ऐसा तपस्वी है बिना खाए पिए श्री ब्रह्मा जी आए देवताओं के साथ। देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी आए, वहाँ देखे कि यहाँ कोई तपस्वी नहीं है, ये तो वाल्मीकि है। तो उन्होंने अपने कमंडल का जल, गंगा जी का जल, वाल्मीकि पर फेंका। तब वाल्मीकि ढह गया, उसमें से निकला वो मुनि ब्राह्मण जो भगवान का नाम जप रहा था। वही वाल्मीकि जी भगवान राम के अवतार के पहले पूरा रामायण लिख दिए। भगवान कब क्या बाण छोड़ेंगे, किससे क्या बात करेंगे, सारी बातें अभी भविष्य में भगवान का अवतार होने वाला है, अवतार लेकर क्या क्या करेंगे, उसको बीते हुए की तरह वाल्मीकि ने देख करके लिख दिए। वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध ही है। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के समान हो गए केवल जप करने से। जप ऐसे करना चाहिए, सवेरे भोजन का समय हो जाता है तो जपते जपते यदि भोजन भूल जाए तो बहुत अच्छा है, और बार बार माता जी कहे या पत्नी कहे कि अब खा लीजिए तो जप में इस तरह से राग हो जाए कि खाने की चिंता न रहे, काम धंधा भूल जाए। तब ये अच्छा है। ऐसे रूटीन खराब नहीं करना चाहिए पत्नी का, और जो भोजन समय पर दे तो खा लेना चाहिए, लेकिन खा करके फिर जप करें। खाने के बाद जप ही असली काम होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सोने में कटौती हो जाए, यदि सोना में कम सोएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है जप करने का। समय सबको भगवान ने बराबर दिया है, दिन और रात, ये आपकी मर्जी पर है कि आप उसमें से कितना समय जप में लगाएंगे। दो घंटा पर्याप्त माना जाता है, प्रभुपाद जी ने कहा है दो घंटे में 16 माला हो जाएगा आराम से। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनियो सदा हरि, सब समय कीर्तन करना चाहिए। ये तो सदा तो नहीं कर पाए तो कम से कम दो घंटा करें, दो घंटा से भी अधिक करें तो और अच्छा है।
लेकिन भगवान तो कहते हैं 24 घंटा करो, 24 घंटा नहीं करेंगे तो 22 घंटा करें, 22 घंटा नहीं करेंगे तो 20 घंटा करें, या 18 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, उनमें घटाते घटाते 2 घंटा, ये प्रभुपाद जी ने कहा। अब इतना भी नहीं कर सकते तो ये बेकार मनुष्य बने। इसे तो अच्छा था सुअर कुकर बन गए होते, ऊंट बन गए होते। तिनते खल सुकर स्वान भले, ऐसे मनुष्यों से अच्छे हैं कुत्ते, खर, गधा। बेचारे वो तो अपना कर्म बंधन खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे वे मनुष्य शरीर में आएंगे, शुभ गति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, केवल सांसारिक काम धंधा में रहता है, तो अपने को गिरा रहा है, नीचे जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, और निश्चित है कि मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर पशु देह मिलेगा, पक्षी का शरीर मिलेगा। तो हम तो ऐसे जगह पर खड़े हैं कि अपने आप नीचे चले जाएंगे, तो हमसे अच्छे भी पशु हैं जो ऊपर जा रहे हैं। तो यह बात याद आ गई, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से, प्रणाम करने से चित्रकेतु महाराज इतने बड़े वैष्णव हो गए, वही वेत्रासुर बने जो युद्ध में भी भगवान में मति लगाए रखे। इनकी स्तुति कुछ ही श्लोकों में है। अजिता जिता सममति भी, हे अजित, आप किसी के बस में नहीं होते हैं, लेकिन आपको साधुओं ने, सममति समदर्शी साधुओं ने आपको अपने बस में कर लिया। बस में करने का अर्थ है प्रेम से श्री कृष्ण को बस में करना। ऐसे भगवान को कोई बस में नहीं कर सकता हो, लेकिन अजिता जीता, अजित होते हुए भी आप जीत लिए जाते हैं, बस में कर लिए जाते हैं। सममति भी, सममति भी साधु भी, साधुओं द्वारा जिनकी बुद्धि सम है, और जितात्म भी, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे महात्मा जन आपको अपने बस में कर लेते हैं। और आप उनको अपने बस में कर लेते हैं, परस्पर वशीकारिता बताई जा रही। भगवान अपने भक्तों के बस में और भक्त भगवान के बस में। भगवान इतने करुण हैं कि अपने आप को भी दे देते हैं, इतनी दया करते हैं भजन करने वालों पर। अगर कोई भजन करता है तो भगवान इतनी दया करते हैं, इतनी दया कि उसको उसके अधीन हो जाते हैं, जैसे अर्जुन के अधीन है। अर्जुन के रथ को कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं। अर्जुन
आराम से बैठे रहते हैं। युद्ध जब खत्म होता है महाभारत में, तो युद्ध खत्म होने के बाद प्रतिदिन भगवान घोड़ों को धोते हैं, घोड़ों को भोजन देते हैं, पानी पिलाते हैं। अर्जुन आराम से उतर करके अपने कैंप में चले जाते हैं, लेकिन भगवान को चिंता रहती है घोड़ों को खिलाने की, घोड़ों को धोने की। और कोई बाण लग गया है घोड़े पर तो उस बाण के जख्म को मिटाने की चिंता रहती है कृष्ण को। एक बार की घटना है, कर्ण सेनापति था। कर्ण बहुत बड़ा वीर था। उसने ये प्रतिज्ञा किया एक दिन की, मैं निश्चित अर्जुन का वध करूंगा। तो उसके पास एक अस्त्र था, जब उसने कवच और कुंडल दान दे दिया इंद्र को, तो इंद्र अब्लाइड होकर के एक अस्त्र दिए उसको। उसका नाम था एकाग्नि, एक वीर को अवश्य मारेगी, ऐसा अस्त्र था, बाण था। तो एक दिन दुर्योधन कहा कर्ण से कि इस बाण को चलाओ। वो भगवान की योजना थी। भीमसेन का एक लड़का था घटोत्कच, राक्षस, तो उसको भगवान ने सिखाया कि आज रात्रि युद्ध होगा। रात में सो जाते थे लोग, लेकिन उस दिन स्पेशल युद्ध होगा, रात में भी युद्ध होगा। युद्ध होने लगा रात में, और घटोत्कच को कहा कि तुम जितनी शक्ति है उतना दिखा दो कौरव सेना को। वो घटोत्कच लगा मारने, बहुत भयानक रूप था उसका, तो आकाश में ऐसे उड़ करके युद्ध करने लगा। उस पर कितना भी बाण मारा जाता था वो गिरता नहीं था। अंत में दुर्योधन घबरा करके कर्ण के पास आया, कहा कि मित्र इसको तुम मारो, तुम्हारे पास जो एक अग्नि है उसको चलाओ। तो दुर्योधन कहता है, कर्ण कहता है कि मैं तो उससे रखा हूँ अर्जुन को मारने के लिए। दुर्योधन ने कहा कि सब मर ही जाएंगे तो तुम अर्जुन को मार कर क्या करोगे, आज तो बचाओ सबको, इसको मारो, ये राक्षस इस तरह से सबका विनाश कर देगा। तो घबरा करके कर्ण एक अग्नि चला दिया, घटोत्कच गिर पड़ा, मर गया। लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न थे, उन्होंने कहा महाराज युधिष्ठिर से, आज अर्जुन बच गए इसकी मुझे बहुत खुशी है, घटोत्कच के मरने की चिंता नहीं है। जब तक यह एक अग्नि शक्ति थी कर्ण के पास, मैं रात में सोया नहीं, रात दिन यही चिंता रहती थी कि एक अग्नि कैसे खत्म हो। भगवान को चिंता थी लेकिन अर्जुन को चिंता नहीं थी, अर्जुन निश्चिंत सोते थे। तो श्री भगवान एक अग्नि को छुड़वा दिए घटोत्कच पर, तब ये सुखी हुए। इस तरह भगवान अपने को अपने भक्तों के बस में कर देते, जो अर्जुन के बस में। अर्जुन कहते हैं कि सेनय और उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। तो भगवान रथ को ले जाकर खड़ा किए।
वहाँ से फिर दोनों पक्ष की सेना को दिखाने लगा, जैसे अर्जुन कहते थे वैसे ही भगवान करते थे। जैसे भगवान अपने माँ के बस में है यशोदा मैया की, से अनेक भक्तों के बस में रहते हैं, वैसे भगवान अजित हैं। अजित का अर्थ होता है जिनको बस में नहीं किया जा सकता, जिनको जीता नहीं जा सकता, पर वे भी अपने भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। एक दिन जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय की घटना है, श्री भगवान शिविर में जगे थे, रात्रि का समय, आधी रात के समय, नींद नहीं आई, तो अकस्मात युधिष्ठिर महाराज भगवान के रूम में चले गए और महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि द्वारकाधीश आपको नींद नहीं आई है क्या? तो नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो किस कारण से? तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त भीष्म पितामह मेरी याद कर रहे हैं, अतः मुझे नींद नहीं आ रही। भीष्म पितामह के याद में भगवान जगे थे। और फिर युधिष्ठिर महाराज के साथ समस्त पांडवों के साथ वे गए भीष्म के पास। भीष्म चाहते थे कि मैं कृष्ण को देख करके, दर्शन करते हुए शरीर त्यागूं। बाण सज्जा पर सोए सोए वे प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की। तो भगवान निद्रा को छोड़ करके अपने भक्त की याद कर रहे थे। ये है भक्त वश्यता, भक्त के वश में रहना। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि श्री भगवान अजित हैं, किसी के बस में नहीं है, लेकिन वे भक्तों के बस में हैं। और भक्त कैसे? जिनमें कामना नहीं है, समस्त कामनाओं से रहित हैं, अपने मन को बस में कर लिए हैं, ऐसे साधुओं के बस में श्री भगवान रहते हैं। एक श्लोक में वे कहते हैं, हे भगवान, आपके दर्शन से मेरे सारे पाप कट गए हैं, यह कोई आश्चर्य नहीं।